सोशल मीडिया और डिजिटल की इस दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा कोई चर्चित नाम है तो वो है जन्नत जुबैर और मिस्टर फैजू। मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स वाले इन शख्स को इंटरनेट पर कोई ऐसा इंसान होगा जो नहीं जानता होगा। इन्होंने थोड़े ही वक्त में पूरे इंडिया में सोशल मीडिया के द्वारा अपनी एक पहचान बना ली। और आज के इस वीडियो में हम इन दोनों की इस जर्नी को बहुत ही करीब से जानने वाले हैं। और इन दोनों के रिश्ते का क्या सच है और क्या इनका रिलेशन है आपस में, वो भी हम इस वीडियो के थ्रू जानने वाले हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ और हेल्दी होंगे। आज के इस वीडियो से हम जानेंगे टीवी से सोशल मीडिया क्वीन बनी जन्नत जुबैर रहमानी और टिकटॉक फेम सेलिब्रिटी मिस्टर फैजू के बारे में, जो कि फिलहाल अपने टैलेंट और करेज को दिखाने खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 में नजर आएंगे। जानेंगे इन दोनों के बारे में बहुत सी पर्सनल बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे, और इनके रिश्ते का असली सच। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। 29 अगस्त 2001 को नवाबों के शहर लखनऊ में एक रॉयल हाई क्लास फैमिली में एक क्यूट सी बच्ची का जन्म हुआ, जिन्हें आज आप जन्नत जुबैर के नाम से जानते हैं। जन्नत के पापा लखनऊ से मुंबई एक एक्टर बनने आए थे और एक्टिंग में काफ़ी छोटे मोटे रोल्स भी किए, लेकिन वो कभी अपनी बड़ी पहचान नहीं बना पाए। और तभी उन्होंने सोच लिया था कि वो अपने बच्चों को एक बड़ा स्टार सेलिब्रिटी बनाएंगे। और तब फिर जन्नत जुबैर जब बॉर्न हुई तो उनके पापा ने उन्हें बचपन से ही एक्टिंग में डाला, और 3-4 साल की उम्र से ही उनके पापा उन्हें ऑडिशन के लिए ले जाने लगे। जन्नत शुरुआत में कैमरा फेस नहीं कर पाती थी, लेकिन उनके पापा ने उन्हें धीरे धीरे एक्टिंग सिखाई और कैमरा की आदत डाल दी। और तब फिर वो ऑडिशन देती रही और उन्हें टीवी में छोटे मोटे चाइल्ड एक्टर्स वाले रोल मिलते रहे। जन्नत बचपन से ही काफ़ी सारे टीवी सीरियल्स और एड शूट्स में नजर आईं, और वह धीरे धीरे एक बेहतरीन एक्ट्रेस बनती गईं। और महज 10 साल की उम्र में ही जन्नत ने अपने शो फुलवा से लोगों के दिलों में जगह बना ली। ये फुलवा सीरियल में लीड रोल में थी, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया। और उसके बाद जन्नत एक के बाद एक टीवी शोज करती गईं, और इनका सेकेंड हिट शो रहा तू आशिकी। इस शो के पंक्ति के करेक्टर से जन्नत की पॉपुलैरिटी में 4 चांद लग गए, और उसी वक्त टिकटॉक इंडिया में काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा था। ये वक्त था 2017 का, जब जन्नत ने अपने भाई अयान के कहने पर टिकटॉक ज्वाइन किया था, लेकिन उस वक्त तक ये टिकटॉक पर उतनी रेगुलर नहीं थी। और फिर 2018 में ये रेगुलर हुई, और फिर तो जन्नत रातों रात वायरल होती चली गई और इंडिया में सबसे पहली टिकटॉकर बनी जिसने सबसे पहले 10 मिलियन का टारगेट हिट किया। और उसी वक्त टिकटॉक पर एक और चर्चित नाम था, वो था मिस्टर फैजू का, जो कि अपनी टीम 07 के साथ बहुत पॉपुलर हो रहा था। और इन दोनों की ये सीक्रेट स्टोरी जानने से पहले चलिए जान लेते हैं कुछ इंट्रोडक्शन मिस्टर फैजू के बारे में भी। मिस्टर फैजू का पूरा नाम फैजल शेख है, और इनका जन्म 5 अक्टूबर 1995 को धारावी मुंबई में एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ, जहाँ इनके पापा एक शॉप पर काम किया करते थे। लेकिन इनकी फैमिली की इतनी अच्छी कंडीशंस ना होने की वजह से फैजू ने भी परफ्यूम की शॉप पर सेल्समैन का काम करना शुरू कर दिया। फैजू की फैमिली में 2 बहनें और 1 भाई हैं, और फैजू को टिकटॉक के बारे में अपने दोस्तों से पता चला, जो कि बाद में टीम 07 बन गए। ये पहले बाइकर्स थे जो कि टिकटॉक पर पैरोडी वीडियोस बनाने लगे, और उस वक्त टिकटॉक पर काफ़ी कम क्रिएटर थे और शॉर्ट प्लेटफॉर्म्स काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे थे, जिसकी वजह से अपने फ़नी कंटेंट और लिपसिंग वीडियोस की वजह से टीम 07 और मिस्टर फैजू काफ़ी जल्दी पॉपुलर हो गए। पूरी टीम में मिस्टर फैजू सबसे ज़्यादा फेमस और पॉपुलर क्रिएटर बन गए, और उस वक्त टिकटॉक क्वीन के नाम से जन्नत जुबैर भी बहुत मशहूर हो रही थी। और फिर प्रोफेशनली दोनों ही पॉपुलर क्रिएटर जन्नत और फैजू वीडियो कोलैबोरेशन के लिए मिले, और अपनी पहली मुलाकात में ये दोनों फ्रेंड्स बन गए। और साथ में वीडियोस बनाने पर इन दोनों को ही बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, जहाँ इनके कपल वीडियोस को लोगों ने बहुत पसंद किया। तब फिर इन दोनों ने साथ में काफ़ी सारे वीडियो शूट किए, और इनके उन्हीं वीडियोज़ को देख कर सिंगर डायरेक्टर रामजी गुलाटी ने इन दोनों को एज अ कपल काफ़ी पसंद किया, और अपने कुछ म्यूज़िक वीडियोज़ में फीचर होने का मौका दिया, जिसमें इन्होंने बहुत सारे म्यूज़िक वीडियोज़ में साथ में काम किया है, जैसे तेरे बिन की में, तावीज़, फ्रूटी लग दिया और भी बहुत। और इन्हीं वीडियोज़ के दौरान ये एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से जानने लगे और काफ़ी अच्छे क्लोज फ्रेंड्स बन गए। और इन दोनों को साथ में एज अ कपल देखकर सभी लोगों को लगने लगा कि ये दोनों पक्का रिलेशनशिप में हैं और डेट कर रहे हैं, जिस पर बहुत बार इंटरव्यूज़ में सवाल पूछने पर ये दोनों ही इनडायरेक्ट आंसर या बेस्ट फ्रेंड बताते ही नजर आए। इन दोनों ने कभी इस बात पर कोई कंफर्मेशन नहीं दी, हालांकि इनके फैंस इन दोनों को साथ में बहुत पसंद करते हैं
और फिलहाल ये दोनों ही खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 में नजर आने वाले हैं, जिस पर लोगों का कहना है कि ये दोनों हर टाइम कैमरास के सामने रहेंगे और इन दोनों के रिलेशनशिप में होने की बात में कितनी सच्चाई है वो भी सामने आ जाएगी। और शो के दौरान ही इनके डेटिंग के र्यूमर्स रिवील हो जाएंगे कि इन बातों में कितनी सच्चाई है या फिर लोगों द्वारा बनाए गए र्यूमर्स हैं। और शो में दोनों ही सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स वाले कंटेस्टेंट हैं, जिसमें जन्नत जुबेर के इंस्टाग्राम पर 42 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जो कि एक बॉलीवुड एक्ट्रेस के बराबर हैं। और वहीं मिस्टर फैजू के इंस्टाग्राम पर 27 मिलियन फॉलोअर्स हैं। और जन्नत इस शो की सबसे कम उम्र की कंटेस्टेंट होने वाली हैं और मिस्टर फैजू के लिए फर्स्ट टीवी शो होगा। वेल, देखना यह है कि ये दोनों शो में कैसा परफॉर्म करते हैं और ये कितना टिक पाते हैं। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही। आप क्या क्या कहना है इस बारे में आप कमेंट करके बता सकते हैं, और आपको इन दोनों की जोड़ी कैसी लगती है ये भी ज़रूर बताना। और इनके अलावा आपका कौन फेवरेट कंटेस्टेंट है जो कि खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 में आ रहा है, ये भी शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई शिकायत या सजेशन करना हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।